Hello viewers, I'm Joseph Kadir and you're watching Joseph Educate. Chemistry 9th में से हमने chapter 2 start किया था. And in the second chapter, we have studied about the history of the atomic structure. कौन-कौन से scientists थे जिन्होंने atomic structure के ऊपर work किया. इस series का दूसरा lecture, second chapter से. Today we will discuss the discovery of cathode rays एंड इलेक्ट्रॉन एज वेल, क्योंकि कैथोड रेज जो थी वो बेस बनी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए. स्टूडेंट्स, विलियम क्रुक्स इन 1879 परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट के लिए जो ऑपरेटर्स यूज किया गया दैट वॉज नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब. डिस्चार्ज ट्यूब जो है, इसकी स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है. स्ट्रक्चर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, ये ग्लास ट्यूब है. ग्लास ट्यूब के साथ एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है. दिस वैक्यूम पंप इज रिस्पॉन्सिबल टू एवैक्यूएट एयर फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब. इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब जो गैस प्रेशर था, जो एयर मौजूद थी, उसको बाहर निकालने के लिए वैक्यूम पंप का इस्तेमाल किया गया. इस वैक्यूम पंप की मदद से द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब वाज रिड्यूस्ड अप टू 10⁴ atm. दिस 10⁴ atm मींस, आइए जानते हैं कि ये कितना प्रेशर है. 1 atm, 1 atmospheric प्रेशर. ये जो नॉर्मल प्रेशर है जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं अपनी कॉमन लाइफ के अंदर, इसको हम 1 atm प्रेशर का नाम देते हैं, 1 atmospheric प्रेशर. या साहिली इलाकों के रहने वाले लोग जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, लाइक कराची के रहने वाले लोग, सी लेवल के ऊपर इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको एक्सपीरियंस करते हैं, महसूस करते हैं. यहाँ पे जो 1 atm प्रेशर था दैट वॉज रिड्यूस्ड अप टू 10⁴ atm. 10⁴ atm means 1/10,000 times less pressure. यानी आम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे 10,000 गुना कम प्रेशर जो था वो अंदर डेवलप किया गया. इससे पहले जो डेवलप किया गया था वो 10⁻⁶ था, लेकिन बाद में इसको बढ़ाया गया क्योंकि 10⁻⁶ जब उन्होंने 10⁻⁶ तक इस प्रेशर को रिड्यूस किया तो जो ब्लैक स्पॉट्स थे कैथोड के करीब, उन्होंने उसको पहली दफ़ा महसूस किया. आफ्टर दैट इट वाज इंक्रीज्ड अप टू 10⁻⁴. तो ये पूरी की पूरी जो ट्यूब थी ये ब्लैक हो गई, लेकिन यहाँ पर रोशनी देखी गई क्योंकि ये वाले जो यहाँ से ओरिजिनेट होने वाली रेज हैं, जब वो यहाँ पे जाके स्ट्रक हुई, इसके साथ टकराई, तब यहाँ पे रोशनी देखी गई. इसके साथ 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं. इलेक्ट्रोड किसी भी ऑपरेटर्स के अंदर करंट को सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. आम घरों में जो इस्तेमाल करते हैं हम बैटरी UPS के लिए, या आपकी गाड़ियों में जो बैटरी इस्तेमाल होती है, वो बैटरीज जो आपकी घड़ियों में इस्तेमाल होती हैं, वो बैटरीज जो आपके कैलकुलेटर्स में इस्तेमाल होती हैं, सेम उसके भी 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड. कैथोड, ऑलरेडी इन द फर्स्ट चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट द कैटाइंस एंड एनाइंस, सो लेट्स हैव लिटिल मोर डिस्कशन अबाउट दैट. कैटाइन एंड एनाइन. कैटाइन आयन ऑफ कैथोड एंड एनाइन आयन ऑफ एनोड. ये 2 डिफरेंट टाइप के आयन्स हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं. कैटाइन जो है ये पॉजिटिव चार्ज रखता है, और एनाइन जो है ये नेगेटिव चार्ज रखता है. और इसके अपोजिट कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. इससे अंदर जो करंट है वो सप्लाई किया जाता है. अब 10⁴ अंदर प्रेशर डेवलप किया गया, 2 इलेक्ट्रोड जो थे इसके साथ मौजूद थे, और अंदर एक गैस मौजूद, लेकिन इस गैस का प्रेशर इंतहाई कम था, दैट इज 10⁴ atm.
अब क्या हुआ, जब इसमें से करंट को पास किया गया, हाई वोल्टेज को पास किया गया इस गैस के अंदर से, अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि गैसेस जितनी भी हैं वो नॉन कंडक्टर हैं। तो एक ब्रेन टीजर आपके लिए छोड़ रहा हूं, एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल डिस्कस इट अगेन कि एक गैस कैसे करंट को कंडक्ट कर सकते, एक गैस के अंदर से करंट कैसे कंडक्ट हो सकता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। नाउ स्टूडेंट्स, क्या हुआ जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया गया, हाई वोल्टेज को पास किया गया, जब हाई वोल्टेज को इसके अंदर से पास किया गया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज जो हैं वो यहां पे प्रोड्यूस, ये रेज कैथोड से ओरिजिनेट हुई और एनोड की तरफ मूव की। इन रेज की प्रॉपर्टीज को जब डिटेल में स्टडी किया गया तो उन्होंने कुछ रिजल्ट्स इससे निकाले, इनको वन बाय वन हम डिस्कस। स्टूडेंट्स, नंबर वन, दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द कैथोड सर्फेस। परपेंडिकुलर टू द कैथोड सर्फेस मीन आई एम गोइंग टू ड्रा हेयर कैथोड सर्फेस, दिस वन इज कैथोड सर्फेस। जो रेज इससे निकली वो कुछ यूं थी, नाउ दीज रेज आर परपेंडिकुलर टू द कैथोड सर्फेस। परपेंडिकुलर कैसे हैं, परपेंडिकुलर हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि दो लाइंस इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें कि बनने वाला एंगल 90 का हो। ये देखिएगा, बाकी मैंने इसलिए रेज कर दिया ताकि आप इसको समझ सकें। नाउ दिस एंगल इज एंगल ऑफ 90 डिग्री, सो दैट्स वाई दीज टू मीन्स सरफेस ऑफ कैथोड एंड डायरेक्शन ऑफ रेज, इससे जो बनने वाली लाइंस हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। करैक्टरिस्टिक नंबर टू, दे कैन कास्ट अ शार्प शैडो इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन देयर वे। और असल में इस शैडो की प्रॉपर्टी को तब ऑब्जर्व किया जब विलियम क्रूक्स इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे। तो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट दे ऑब्जर्व्ड दैट ये जो एनोड सरफेस है इसका शैडो यहां पे बन रहा है, मींस कि ये एक ओपेक मटेरियल है तो इसका शैडो यहां पे प्रोड्यूस हो रहा था। इसका मतलब कि जब भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में रखी जाती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, शैडो प्रोड्यूस करती है। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। अब क्या किया गया, अब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड दोनों तरफ डेवलप कर दी। फॉर एग्जाम्पल यहां पे पॉजिटिव प्लेट इस तरफ लगा दी और इस तरफ लगा दी नेगेटिव प्लेट। हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को, और रिपल्शन फोर्सेस दो लाइक चार्जेस के दरमियान में होती है। रिपल्सिव फोर्सेस दो लाइक चार्जेस मीन पॉजिटिव पॉजिटिव को रिफ्लेक्ट करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को रिफ्लेक्ट करेगा। इन दिस वे व्हेन दे अगेन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट नाउ दीज रेज वर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव पोल। अब इनकी कंडीशन कुछ यूं थी कि जो रेज प्रोड्यूस हो रही थी वो पॉजिटिव पोल की तरफ झुक रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी नेचर नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ वही चार्ज डिफ्लेक्ट होगा जिसका अपोजिट चार्ज होगा पॉजिटिव, और इनकी नेचर क्या हो गई, नेगेटिव। जब ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हुई तो इसने प्रूव किया कि ये कौन सा चार्ज रखती हैं, ये नेगेटिव चार्ज, इनकी नेचर जो है वो नेगेटिवली चार्ज। In the next point, they raise the temperature of the body on which they fall. For example, अगर ये यहीं पे discharge tube की जो glass surface है इसके ऊपर गिरती हैं तो उस जगह पे जहाँ जहाँ पे ये fall होती हैं, जहाँ जहाँ पर ये गिर रही हैं वहाँ पे temperature क्या हो जाता है, raise हो जाता है, यानी वो surface गर्म हो जाती है। It means कि इनमें energy मौजूद थी। J.J. Thomson discovered
देयर चार्ज बाय मास रेशियो। ये जे जे थॉमसन ने डिस्कवर की थी। एंड एक्चुअली एक और इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ पर है वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ विलियम क्रूक्स ने 1879 के अंदर कैथोड रेज को डिस्कवर किया था, उसने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर नहीं किया था। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया इन 1897 जे जे थॉमसन जब इन रेज की करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे थे, सो ड्यूरिंग दैट स्टडी ही फाइंड आउट द चार्ज बाय मास रेशियो। एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इसलिए उसने इसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। याद रखिएगा प्रोटॉन जो था 1886 में गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया था, उसके बाद जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। तब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जो साइंटिस्ट थे, जो उस दौर के साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे, उन्होंने ये पूछा कि अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो हम क्यों कहते हैं कि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है। तो उसका जवाब जे जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल से दिया था। ही प्रेजेंटेड हिज प्लम पुडिंग मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फाउंड दैट द सेम टाइप ऑफ रेज वर एमिटेड नो मैटर विच टाइप ऑफ कैथोड एंड विच टाइप ऑफ गैस इज यूज्ड इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रहे यहाँ पे अगर कोई भी गैस इस्तेमाल कर ली जाए, इंस्टेड ऑफ एयर प्योर हाइड्रोजन को फॉर एग्जांपल हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो सेम टाइप ऑफ रेज प्रोड्यूस होंगी जो एयर अंदर होने की वजह से प्रोड्यूस हो रही थी, उसी तरह की रेज बिल्कुल प्रोड्यूस होंगी। अगर यहाँ पे इस गैस को हम रिप्लेस कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, तब भी सेम टाइप ऑफ रेज प्रोड्यूस होंगी। अगर आप रिप्लेस कर देते हैं इसको ऑक्सीजन से, तब भी सेम टाइप ऑफ रेज प्रोड्यूस होंगी। एंड अगर इलेक्ट्रोड जो है इसको भी चेंज कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड हैं ये कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किए गए, इनको रिप्लेस कर देते हैं हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से, तो तब भी रिजल्ट सेम ही रहेगा। जो रेज प्रोड्यूस होंगी वो कैथोड रेज ही होंगी, क्योंकि ये भी तो मैटर से बने हुए हैं और मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना हुआ। इट मीन्स हो सकता था, उस वक्त उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये गैस की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तब उन्होंने जब गैसेस को चेंज किया, डिफरेंट गैसेस को रिप्लेस किया, सेम टाइप ऑफ रिजल्ट वाज ऑब्टेंड एट दैट टाइम। आफ्टर दैट दे डिसाइडेड टू रिप्लेस द इलेक्ट्रोड्स, मटेरियल टाइप यानी ये मेटल्स जो हैं इनको चेंज कर दिया गया। जब चेंज करके देखा डिफरेंट मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स को यूज किया गया, तब भी सेम टाइप ऑफ रेज जो थी वो प्रोड्यूस हुई, एंड दीज रेज वर नेम्ड एज कैथोड रेज। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ, इससे ये नतीजा अखज किया गया कि आप किसी भी तरह की गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी तरह के इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम टाइप ऑफ रेज जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। मीन्स ये जो रेज हैं ये इंडिपेंडेंट है, ये नहीं, ये बेसिक पार्ट है एटम का। इलेक्ट्रॉन हैज मास 1.9 × 10⁻³⁻¹ kg। इस तरह से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज डन बाय जे जे थॉमसन, एंड इन 1906 ही वॉज अवॉर्डेड विद अ नोबल प्राइज। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन चैडविक ने की थी 1932 के अंदर। स्टूडेंट्स इस टॉपिक के परस्पेक्टिव में जब कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में आता है, आइदर फेडरल बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, सिंध बोर्ड है, KPK, कोई भी बोर्ड पाकिस्तान में, मोस्टली क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, और इसके अलावा अगर ये शॉर्ट में आए तो 2 मार्क्स का आ जाता है राइट डाउन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, और अगर ये डिटेल में आए तो ये पूरा का पूरा एज अ डिटेल भी आ सकता है। और इसके अलावा सिर्फ कई दफ़ा एग्जामिनर कहता है एंड लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कि कैथोड रेज की क्या लिखें, सिर्फ प्रॉपर्टीज लिखें। तो अब आते हैं अपने ब्रेन टीजर की तरफ एट द एंड ऑफ द लेक्चर। स्टूडेंट्स गैसेस नॉन कंडक्टर्स होती हैं, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे बिजली जब आसमान से गिरती है
तो वो जमीन तक पहुंच जाती। व्हाट इज द रीजन? बहुत सारे लोग आसमानी बिजली गिरने से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा करंट होता है, मिलियंस ऑफ वोल्ट्स आर प्रेजेंट, हाई वोल्टेज जो फौरन मौत का सबब बनता। तो इतनी ज्यादा हाइट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती हुई जमीन तक कैसे आती, जबकि वहां पे तो कोई कंडक्टर मौजूद नहीं है। और हम हमेशा से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं कि इसको किसी भी कंडक्टर की जरूरत है ट्रेवल करने के लिए, वहां पर गैसेस मौजूद हैं। याद रखिएगा, जब भी गैसेस के अंदर से हाई वोल्टेज को पास किया जाता है वो आयोनाइज हो जाती हैं। और यहां पर भी यही हुआ कि हर गैस आयोनाइज हुई और हर गैस के अंदर से एक ही तरह की रेज प्रोड्यूस हुई, एंड दीज रेज वर नेम्ड एज कैथोड रेज। एंड आफ्टर दैट इट वॉज प्रूव्ड कि ये जो रेज हैं, जिनको बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया, ये हर एक गैस या हर एक एटम का बेसिक पार्टिकल है या नेसेसरी पार्ट हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन में भी पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में भी पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन में भी पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन किसी और एटम के अंदर भी पाए जाते हैं। और इस तरह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज द बेसिक पार्टिकल और इट इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल जो हर एक एटम का लाजमी हिस्सा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।